आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा जिले में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन आगरा की सड़कों पर लोगों का निकलना लगातार जारी है। शादी समारोह के साथ ही आवश्यक कार्य के लिए लोगों को अनुमति है। मिनी लॉकडाउन के दौरान क्या है आगरा की सड़कों का हाल, इसका जायजा लिया सीनियर संवाददाता विजय बघेल ने। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पूरा देश हलकान है, तमाम लोगों की जानें गई हैं, लाखों लोग कोरोना संक्रमण की जद में आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए समूचे उत्तर प्रदेश में 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन किया है। आप देख सकते हैं कि आगरा की सड़कों पर जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति में कुछ लोगों को निकलने पर मनाही है, लेकिन तमाम लोग आ जा रहे हैं क्योंकि शादियों का मौसम है और शादी समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार ने छूट प्रदान की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी के लिए ई पास जारी करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। इसके साथ ही जो औद्योगिक इकाइयां हैं, निर्माण एजेंसियां हैं, इसके साथ ही मीडियाकर्मी हैं, तमाम जो संस्थान हैं, ई कॉमर्स हैं, उनको ई पास से राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि कोरोना संक्रमण की चेन टूटे और आगरा कोरोना संक्रमण मुक्त हो। पिछले 4 दिन से आगरा में कोरोना केसों में राहत है। जिले में गुरुवार को 234 नए केस आए, जबकि 616 मरीज स्वस्थ हुए और 4 मरीजों की डेथ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हुई है। तो कुल मिलाकर माना जा रहा है कि जो अप्रैल के महीने में कोरोना संक्रमण ने तबाही मचाई थी, वह फिलहाल रुकती नज़र आ रही है। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन किया गया था, उसकी अवधि बढ़ाकर पहले 6 मई की गई, उसके बाद उसे 10 मई किया गया है। और जहां तक ई पास की बात है, तो ई पास ये संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना के हालातों में काबू पाने के लिए इस लॉकडाउन को और बढ़ा सकती है। चूँकि पंचायत चुनाव की मतगणना समाप्त हो गई है, 3 दिन तक ये मतगणना चली, उससे ये माना जा रहा था कि कोरोना विस्फोट की स्थिति हो सकती है, लेकिन फिलहाल राहत की बात है क्योंकि ट्रैकिंग और टेस्टिंग का कार्य जारी है। बावजूद इसके जिला मुख्यालय पर राजनीतिक दल धरना दे रहे हैं, उन्होंने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, चाहे वो चौधरी बाबूलाल हों, उमेश सैतिया हों, भाजपा के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। इस धरने का निर्णय क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुकूल लॉकडाउन की स्थिति आगरा की सड़कों पर आपको दिख सकती है। इक्का दुक्का वाहनों को छोड़ दिया जाए तो अन्य लोग घरों में कैद हैं, और यही वजह है कि कुछ दिन तक आगरा में जो ऑक्सीजन की किल्लत थी, जो बेड की किल्लत थी, उन सभी पर जिला प्रशासन ने लगभग पार पा लिया है। अब उतनी ज़्यादा किल्लत ना ऑक्सीजन सिलेंडर की है, ना हॉस्पिटल्स में बेड और वेंटिलेटर की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कितनी तबाही मचाती है, क्योंकि तमाम लोग अपनों को खो चुके हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोलिए, फेसबुक खोलिए, तो उस पर कहीं ना कहीं आपको दुखद समाचार देखने को मिल जाएंगे। हालांकि प्रशासनिक आंकड़े उनके होते हैं, उनकी डेथ के होते हैं जिनकी RT-PCR जांच कराई गई है, लेकिन जो लोग घरों में हैं, जिन्होंने जाँच नहीं कराई है, उनकी डेथ हो रही है, तो लोग ये मान रहे हैं कि उन सभी पर कोरोना संक्रमण का कहर है। जिला मुख्यालय से अपने साथी राहुल शांत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।